हाय, आज मैं बनाने वाली हूँ ब्रेड एंड कर्ड स्नैक। बहुत ही यूनिक स्नैक रेसिपी है, क्रंची है ऊपर से और अंदर से बहुत ही क्रीमी है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दही लेंगे 160 ग्राम, जो हाफ कप होगी। एक बर्तन लेंगे, इसके ऊपर रख देंगे सूती का कपड़ा, फिर इसके ऊपर दही को डाल देंगे। बेसिकली हमें दही का सारा पानी निकालना है। मैंने सारे दही को निकाल दिया है। अब कपड़े को मोड़कर इसमें जितना पानी है सबको निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर एक हेवी सामान रखकर इसके पानी को भी निकाल सकते हैं। जितना हो सके उतना इसे स्क्यूज करेंगे और पानी को निकाल लेंगे। मैंने सारा पानी निकाल लिया है, अब इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। ये इस तरह से दिखेगी। पानी निकलने के बाद अब एक बर्तन में इसे डाल देते हैं। अब इसे स्पैचुला की मदद से अच्छे से मैश कर लेंगे। इस तरह से अब इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच उबला हुआ मकई। फिर इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज। मुझे तीखा पसंद है इसलिए बारीक कटा हुआ हरी मिर्च 1/2 चम्मच, कद्दूकस किया हुआ अदरक 1/2 छोटा चम्मच, बारीक कटा हुआ लहसुन 1/2 छोटा चम्मच, 1 उबला हुआ आलू लेंगे छोटा साइज का, इसे छील लेते हैं। आलू से इसकी टेस्ट और बढ़ जाती है। अब इसे कद्दूकस कर देंगे, इसे मैश करके नहीं डालेंगे, कद्दूकस करके ही डालेंगे। मैंने कद्दूकस कर लिया है, अब इसे डाल देते हैं। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे 1 चम्मच, लेकिन इसका पल्प नहीं लेंगे, और 1/2 कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें कोई मसाला डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही बहुत टेस्टी लगती है। और अगर हम इसमें लाल मिर्च और या गरम मसाला वगैरह डाल देंगे तो इसकी कलर भी थोड़ी सी चल जाएगी, लेकिन हमें इसकी वाइट कलर चाहिए। फिलिंग तो हमारा रेडी हो गया है, इसे साइड रख दें। अब लेंगे एक ब्रेड की स्लाइस, इसकी एजेस को काट के हटा लेंगे। इसे फोल्ड करने में दिक्कत होती है और कुछ नहीं। अब इसे पतला बेलेंगे, जितना पतला हो सके। अब ब्रेड के किनारों में पानी लगाएंगे हाथ की मदद से, इसे बहुत ही आसानी से चिपक जाएगी। बीच में 1 चम्मच फिलिंग डालेंगे, इसे अच्छे से प्रेस कर बीच में ले आएंगे और इसे रोल कर लेंगे।
इस तरह से। अब इसे दोनों हाथ से प्रेस करके पिठे की शेप देंगे। अगर आपको कहीं भी बीच में क्रैक आ रहा है तो आप थोड़ा सा पानी लगाइएगा, फिर शेप दीजिएगा, आराम से शेप आ जाएगी। इसी तरह से मैंने बाकी सारे को बना लिया है। तेल मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था, गर्म हो गई होगी। चलिए देख लेते हैं। तेल को चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका है, इसमें थोड़ा सा ब्रेड का टुकड़ा डालेंगे। अगर तुरंत बुलबुले उठने लगे मतलब ये हो गया है गर्म, अब इसमें डाल देंगे। इसे आप दही के छोले भी बोल सकते हैं। ये थोड़ा सा खुल गया था तो मैं इसे हाथ से प्रेस करके डाल रही हूँ। इसे पकाएंगे हाई फ्लेम पर, बीच बीच में चलाएंगे। इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये गोल्डन और क्रिस्प ना हो जाए। हार्डली 3 से 4 मिनट लगेगा। आप फिलिंग में आपके पास जो भी वेजीज घर में पड़ी है आप उसे थोड़ा सा बॉइल करके डाल सकते हैं बारीक काट के। कोई कंपलसरी नहीं है कि ये सब डालना। देखिए लग रहा है ना बहुत टेस्टी और क्रंची। आपको बनाने वाला है मुझे कमेंट करके बताइएगा। और रेसिपी अच्छी लगी तो यार एक लाइक तो बनता है। चलिए ये तो हो गया, इसे निकाल लेते हैं। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ जो स्ट्रीट फूड बहुत मिस कर रहे हैं। मैं आपको काट कर दिखाता हूँ ये कितना क्रंची बना है ऊपर से और अंदर से तो बहुत क्रीमी है। है ना बहुत ही यम्मी, क्रंची तो है ही। चलिए मैं जा रही हूँ इसे खाने इमली की चटनी के साथ। फिर मिलते हैं आपसे नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।